तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में प्रस्तावित उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर ही दी। प्रदेश में जोबट, रैगांव, पृथ्वीपुर विधानसभा और खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि यह चुनाव 2023 की विधानसभा चुनाव के लिहाज से दोनों ही पार्टी की दशा और दिशा तय करेंगे, जिसके चलते सीआर सरदार पूरी दमखम के साथ मैदान में नजर भी आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए किसी महाभारत की लड़ाई से कम नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस, ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों का सियासी भविष्य तय करने जा रहे हैं, जिसके चलते सियासी दल न केवल जनता के सामने बड़े बड़े दावा या आरोप लगा रहे हैं, बल्कि जातिगत समीकरण बनाने के साथ सहानुभूति लहर का फायदा भी लेने की कोशिश में है। उपचुनाव के दंगल को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के एक लोकसभा सीट, तीन विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा, परिणाम 2 नवंबर को आएंगे। दरअसल खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई है। इसके अलावा पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस पूर्व मंत्री ब्रजेश सिंह राठौर के निधन से खाली हुई, जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस के कलावती भूरिया के निधन से खाली हुई, जबकि रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल उपचुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल मान रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। बीजेपी विकास को आगे रखकर ही वोट मांगेगी, इसके लिए नारा दिया है शिवराज सरकार भरोसा बरकरार, जबकि कांग्रेस को जनता से सीधे संवाद के माध्यम से दमोह उपचुनाव जीत के मॉडल पर भरोसा है। इसी पैटर्न को आने वाले उपचुनावों में भी लागू किया जाएगा। अगर इस सीट की बात की जाए तो इन सीटों पर कांग्रेस बीजेपी से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पूरी तैयार है, चारों जगहों के प्रभारी पहले से नियुक्त हैं, मंडलम सेक्टर की वहाँ हो गई है, लगभग जो प्रत्याशी उनको इशारा है वो वहाँ क्षेत्र में घूम रहे हैं, सभी हमारे नेता सब जगह होके आ गए हैं। तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही तैयारी करती रहती है, चिंता वो करें जिनके नेता बिस्तर पर बैठ के ट्वीट करते हैं। हमारे नेता तो फील्ड में घूम रहे हैं, कल भी थे परसों भी थे, उन लोगों को चिंता होगी। तीनों विधानसभा और लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। खंडवा लोकसभा, निवाड़ के इस लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस से अरुण यादव की दावेदारी है। अर्चना चिटनिस, कृष्ण मुरारी मोघे और कैलाश विजय वर्गीय की दावेदारी से भाजपा में असमंजस है। राजपाल सिंह तोमर के नाम पर भी मंथन चल रहा है। जोबट सिंह, ये विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल है, 2018 के चुनाव में ये वर्ग भाजपा से नाराज रहा था। इस वर्ग का विश्वास जीतना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। इस वर्ग को अपने समर्थन में लाने के लिए हाल ही में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की गई है। रैगांव सीट, विंध्य क्षेत्र की इस सीट पर अजा वर्ग के मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। पृथ्वीपुर सीट, बुंदेलखंड क्षेत्र की इस सीट पर सामान्य और पिछड़ा वर्ग का दबदबा है। आर्थिक असमानता बड़ी समस्या है, कांग्रेस यहाँ से आगे रही है। खैर, इस सबके बीच दोनों ही दलों की इस सीटों पर कई महीनों से तैयारी जारी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है सामाजिक संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ बीजेपी विकास मुंद्रिया जी। मुंद्रिया जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, आपके साथ है, और खंडवा से हमारे संवाददाता जो है अखिलेश ठाकुर, जोबट से मनीष पाणी, पृथ्वीपुर से हेमंत वर्मा और रैगांव से वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले फिरोज जी, आपकी दो सीटिंग सीटें थी, एक बीजेपी से रैगांव छोड़ दीजिए, जुगल किशोर बागड़ी जी का,
क्या ये माना जाए कि इसकी जीत हार आपका एक लिटमस, जैसा मैंने अपने इसमें पैकेज में अपनी रिपोर्ट में बताया कि लिटमस टेस्ट हो सकता है, क्या ये माना जाए? लोकसभा छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है, तीनों विधानसभा सीट में जीत हार ये बताएगी कि आने वाला समय 2023 किसको लाएगा? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाला समय किसको लाएगा, ये एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि जो चुनाव होता है, चुनाव जो है कई सारे उसमें जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, और जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है तो उपचुनाव में जनता का एक जो मूड होता है वो सत्ताधारी दल के साथ होता है कि सत्ताधारी दल की सरकार है, जो सरकार है सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में, अगर हम उसको चुनते हैं तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा, कई सारी हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है, ये एक जनता के मन में भाव होता है। लेकिन जब वही पार्टी चुनाव हार जाती है जो सत्ता में होता है, तो ये वाकई उसके लिए एक लिटमस टेस्ट होता है कि जो उसकी सरकार है वो कारगर नहीं है, काम नहीं कर पा रही है या अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो ये जो बात है कि अगर ये विपक्ष किससे ज्यादा सत्ता पक्ष के मामले में ये निर्णायक होते हैं, लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जैसे अभी हम दमोह का उपचुनाव जीते, मतलब पतली गली से आप निकल लिए, मैंने अगर हम हारे तो ठीक है, लिटमस टेस्ट नहीं, ये हारे तो इनके लिए नहीं। देखिए, मैंने इसको आपको पहले ही कहा कि हर चुनाव में यही होता है कि जनता जो है एक मूड बना के रखती है कि हम जो पार्टी सत्ता में है हमको उसे चुनना है। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास तो कई सारी चीजें होती हैं, इनके पास तो डबल इंजन की सरकार है, ये एक बात हो सकती है। लेकिन जब ये हारते हैं, जैसे ये दमोह में हारे हैं, तो दमोह में हारे हैं इसका मतलब है, और ये लंबे मार्जिन से हारे हैं इसका और जो इनकी परंपरागत सीट थी, जो ये कभी 35-36 साल में नहीं हारे थे, ये वो सीट हारे, तो इसका मतलब है कि जनता में कहीं ना कहीं रोष है और वो चीज सामने दिखेगी। और जहां तक लिटमस टेस्ट का सवाल है, तो 2023 के मुद्दे अलग होंगे और अभी के मुद्दे जो हैं वो अलग हैं। लेकिन जो है कांग्रेस, जहां तक मैं अपने पार्टी की बात करूं, तो कांग्रेस जो है चारों की चारों सीटें अब जीतने जा रही है, ये हमको स्पष्ट दिखना है। लोकसभा में भी हमारी स्थिति अच्छी है, अगर हम उसमें जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो साम नाम दंड भेद, जो इनके मंत्री पैसे लेके भागते हुए नजर आते हैं, अगर अब ये सब चीजें जैसे दमोह में हमारे कार्यकर्ताओं ने रोक ली, अगर ये हम खंडवा में और तमाम जगहों पर रोक पाए बाकी जगहों पर, तो जीत सुनिश्चित है पार्टी की। चलिए, बहुत संक्षेप में थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे विकास जी, क्योंकि हम चारों अपने, हम आपको वहाँ की हकीकत क्या है उस क्षेत्र की वो भी हम आपको बताएंगे हमारे संवाददाताओं के द्वारा, लेकिन हम आपसे भी यही सवाल है, फिरोज जी तो बड़े सावधानी से, बहुत लंबे समय से प्रवक्ता है तो निश्चित तौर पर सावधानी से निकल ही जाएंगे, उन्होंने बड़े आराम से उन्होंने कहा कि ये इनके लिए लिटमस टेस्ट है, हमारे लिए नहीं। आपने पकड़ लिया फिरोज जी को, पतली गली से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, सबमिसिव है वो रहे वो। अब आप और पतली, अब आप पिछले दरवाजे से निकलने का प्रयास करते हैं। साहब, हमारा तो नारा ही है ना। हाँ, तो मतलब आप ये जो चुनाव है, देखिए ये जो चुनाव है, हम तीन विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विकास जी तीन विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, इनके परिणाम क्या बताएंगे? अगर इनके परिणाम उलट आते हैं तो आपको लगेगा शिवराज सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और परिणाम आपके अनुरूप आते हैं तो मैं मान लेता हूं कि भाई लिटमस टेस्ट। देखिए, हम आशान्वित हैं कि परिणाम 100% हमारे अनुकूल, हमारे अनुरूप ही आने। आशान्वित क्यों है आप बोले, 100% हमारा है, 100% हमारा मैं हूं ना, तो वो कारण ये है कि जनता समझदार है, जनता गुड गवर्नेंस चाहती है, जनता बंटाधारी शासन नहीं चाहती है। अच्छा। वो 15 महीने में उनने सिंपल देख लिया। अच्छा, अगर हार गए आप तो फिर बंटाधारी शासन चाहिए, कोई सवाल ही नहीं उठता, जनता फिर मूर्ख है। नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता हारने का, डबल इंजन की नहीं हमारी, तो क्षेत्रों में दबाव में हार गए तो आप भीतरघात हो गया। नहीं, कुछ हमारी संगठनात्मक उस क्षेत्र में चुनाव लड़ते वक्त में कमजोरियां हमने एनालाइज भी करी हैं। संगठन की जो बातें रहती हैं संगठन के अंदर रिव्यू करने के लिए रहती हैं, उन्हें भी हम दुरुस्त करेंगे, उनसे हम शिक्षा भी लेते हैं कि कहाँ क्या कमी रह गई होगी रणनीतिक रूप से चुनाव को लड़ने में, हम उसे ठीक करेंगे। लेकिन इन इन क्षेत्रों में अभी बहस होगी, हम तो इतना जवाब चाह रहे हैं कि इसके रिजल्ट अनुरूप रहे तो ठीक है, विपरीत रहे तो क्या होगा? अरे अनुरूप ही रहने साहब, विपरीत रहने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जी कल्पना है ये नहीं है, जो मेहनत हमारी सरकार ने की है
ये उसका परिणाम आने वाला है। जो संगठन हमने मजबूत किया है उन क्षेत्रों में वो उसका परिणाम आने वाला है। मान लेते हैं 99.1 बल्कि 101% मैंने 101 पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा 0.001% मान लेते हैं कि आपके परिणाम विपरीत आए तो ये बाप माने लिटमस टेस्ट है 2023 का। कोई सवाल ही नहीं उठता कि परिणाम हमारे विपरीत आए। देखिए ना उसके कारण है ना, ना कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि उसके कारण है कांग्रेस का जर्जर होता हुआ संगठन, कांग्रेस का अपने अस्तित्व को बचाए रखने का। विकास जी तो अगर ये मान ले कि अगर ऐसा आया तो हाँ गुड गवर्नेंस नहीं रहा। देखिए आप क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे मैं उसे तो रोक नहीं सकता। मैं मेरा आप तो बात कह सकता हूँ पतली गली से निकल गए आप तो नहीं आपने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। देखिए 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 फिरोज भाई ने कहा ना कि सत्ताधारी दल को क्या एडवांटेज है ये उन्हीं ने बता दिया। चलिए क्योंकि सरकार काम भी कर रही है और लोग तब इसका आपके खिलाफ बहुत क्यों हारेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं हारने वाले हम। बैलेंस राय रखी है क्या अच्छा रखा। कांग्रेस के विरोध में कौन सा मुद्दा है चलो आप बता दो। चलिए कांग्रेस के विरोध में उसका जर्जर होता संगठन है। विकास जी फिरोज जी एक मिनट वहां चलते फिर अभी तो है हम लोग पास समय है। हम पहले चलते खंडवा चलते हैं, जोबट चलते हैं, रहगांव चलते हैं और पृथ्वीपुर चलते हैं। सबसे पहले खंडवा चलते हैं जहां हमारे संवाददाता अखिलेश हैं। अखिलेश मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल सर। अखिलेश पिछला हालांकि मोदी लहर थी राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा हारी भी था और नंदू कुमार चौहान साहब बहुत पुराने बचे हुए लीडर थे लेकिन दूसरी तरफ भी अरुण यादव थे। 3,73,000 का अंतर था। आगे आने वाले समय में बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या होगा। कहीं मुझे लगता है कि अगर चौहान साहब के परिवार से किसी को टिकट मिलती है तो सहानुभूत लहर भी हो सकती है। क्या होगा? जी बिल्कुल सर, मैं पहले आपको इस तरह से बता दूं कि जो खंडवा जो विधानसभा जो लोकसभा है यहाँ पे लगभग प्रदेश के पूरे सारे जितने भी राजनीतिक लोग सभी इनकी नज़र यहीं पे रहती है। जिस तरह से देखा जाए कि नंद कुमार सिंह सोलंकी जो हो चुके हैं उनके बाद में सिर्फ यहाँ पे फिलहाल में जो समीकरण जीरो ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए कांग्रेस की पहले बात की जाए अरुण यादव की ये 2,73,000 के वोट से 3,73,000 के वोट से हारे थे। अब रही बात सवाल सीट लोकसभा खाली होने के बाद में यहाँ पे जो अरुण यादव है मैदानी जंग में उतरे हुए हैं कांग्रेस की ओर से। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में भी उनका कुछ रोष देखा जा रहा है, कई विरोध भी हो रहा है लेकिन जमीनी स्तर से वो पूरे कार्यकर्ता सक्रिय होकर पूरे चुनाव में दल खल से दल बदल से पूरे मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं कांग्रेस की ओर से। अब दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के सबसे पहले समीकरण ये बताया जा रहा है यहाँ पे सर कि जिस तरह से ये लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में जो जनता से वादे करते हैं उसके बाद में ये जनता के बीच में जो वादे करते हैं रोजगार का मुद्दा हो यहाँ पे उद्योग का मुद्दा हो अखिलेश निश्चित तौर पर इसमें हम फिर से बड़ी बहस करेंगे एक दो दिन में। समय कम मैं तो थोड़ा सा अभी और जगह जाना ये जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल अभी नंद कुमार चौहान जी के परिवार से कोई है उनका बेटा है कोई है जो टिकट की दावेदारी कर रहा? जी बिल्कुल सर, अगर देखा जाए कि नंद कुमार सिंह चौहान के बाद में उनके जो सपुत्र हैं जो फिलहाल में उनके सपुत्र को टिकट दिया जा रहा है यहाँ पे दिया जा सकता है। अब ये बताइए कि क्या सहानुभूति लहर उनके साथ रहेगी या निष्क्रियता काम आएगी? दोनों में कड़ी टक्कर है कि नहीं है बहुत संक्षेप पे? सर बीजेपी और कांग्रेस में तो लगातार यहाँ पे शुरुआत से ही टक्कर होती आ रही है और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो कांग्रेस और बीजेपी के जो सहानुभूति पे अगर देखा जाए बीजेपी अगर जनता भी चाहेगी लेकिन फिलहाल में यहाँ पे जो मुद्दे बहुत सारे हैं उसके वजह से यहाँ पे बीजेपी को कई खतरा नजर आ सकता है और इनको कांग्रेस को मौका मिल सकता है इस बार लोकसभा में। चलिए अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हम आपके पास हो सकता है फिर से आए। मनीष वाणी है हमारे साथ जोबट की जानकारी देंगे। कलावती जी नहीं रही क्या? जैसा कि माना जाता रहा है मनीष की परिवार से ही किसी को टिकट उपचुनाव में दिया जाता रहा है तो उसके हमने देखा मुश्किल से 5-10% रहे होंगे जो परिवार से टिकट दिया है और वो विजयी नहीं हुए हैं, अपवाद रहे हैं बहुत कम ऐसे। क्या वहां भी कलावती जी की कोई परिवार से है जो सिंपथी ले सके कांग्रेस? और रहा सवाल बहुत कम अंतर से माधव सिंह डामर हारे थे 2,056 वोट से मात्र, क्या स्थिति बनेगी? देखिए सर विधानसभा 2018 का नतीजे की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी माधव सिंह डावर 2,056 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी कलावती भूरिया से हारे थे। कांग्रेस का कम वोटों से इसलिए जीती क्योंकि कांग्रेस से नाराज होकर कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री सुलोचना रावत का लड़का विशाल रावत 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वो 31,229 वोट लाया था। अच्छा। तो निर्दलीय प्रत्याशी को जितने वोट मिले यदि 15,000 वोट लिया था तो शायद वो विधायक जोबट का होता। सर आंकड़ों के लिहाज से साफ जाहिर होता है उपचुनाव में सुलोचना रावत की उपेक्षा भी
कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। वहीं कलावती भूरिया के परिवार से बात करें तो उनके भतीजे दीपक भूरिया क्योंकि चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन पार्टी संगठन ये देख रहा है कि वो अभी नए हैं, अभी तक उन्होंने कोई चुनाव लड़ने का उनको अनुभव नहीं है, लेकिन यदि कांतिलाल भूरिया की इस क्षेत्र में चली तो शायद उनको टिकट मिल सकता। चलिए, टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं, हम तो सिर्फ इतना बताइए कि टक्कर रहेगी या प्रणा किसका भारी रहेगा। सर टक्कर यहाँ कांटे की रहेगी सर, और यह कांग्रेस का गढ़ है इसलिए भाजपा को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। चलिए, आपने इशारों इशारों में बता दिया, हेमंत वर्मा है पृथ्वीपुर से। हेमंत, निश्चित तौर पर बिजेंद्र सिंह राठौर की ये अपनी घर की सीट है, अगर पिछला चुनाव छोड़ दिया जाए 2013 का तो ये निर्दलीय भी दो बार लंबे मतों से जीते हैं, और सुना है कि उनके बेटे को कांग्रेस टिकट देने जा रही है। बहुत संक्षेप में बताइए, अगर उनको टिकट मिलती है तो क्या होगा, उनको टिकट नहीं मिलती है तो क्या होगा? बिल्कुल सर, आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस के चूंकि ब्रजेंद्र सिंह राठौर के दिवंगत होने के बाद उनके बेटे के प्रति सहानुभूति है लोगों की और उनको अच्छा खासा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी एक लंबी फौज है, वहीं कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह राठौर सिर्फ शिंगिर नाम उभर कर सामने आए, अब तक किसी के द्वारा और कोई दावेदारी नहीं की गई। और हालांकि वही जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी यहाँ पे लेके पहले ही अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है, मंत्री विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया जैसे तमाम मंत्रियों को तैनाती यहाँ पे कर दी उनको। चले, आगे होगा क्या, टक्कर रहेगी या कांग्रेस सहानुभूति लहर में बैतरणी पार कर जाएगी? बिल्कुल, आपको बता दें सर यहाँ पे जो है प्रमुख जो टक्कर मानी जा रही है वो भाजपा और कांग्रेस में रहेगी, लेकिन अब तक की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पल्ला भारी है। उसकी वजह यह है कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र सिंह राठौर के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए कार और लंबे समय से जनता से लगाव उनका रहा है। चलिए हेमंत जी, सहानुभूति को बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, वरुण बहुत संक्षेप में आपने देख लिया होगा, अभी हम इस पर लंबी बहस करेंगे, कल करेंगे, परसों कहेंगे क्या क्या है जमीनी हकीकत, क्या मुद्दा है, लेकिन अभी इतना ही जानना चाहेंगे। सुना है वहां जुगल किशोर बागड़ी जी बेटे लड़ने जा रहे हैं तो कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा? पहले माना जा रहा था पिछली बार 2018 में कि बागड़ी जी हार सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे अंतर 70,000 से ज्यादा मतों से जीते थे। जी बिल्कुल जीते थे बागड़ी जी, और लेकिन जो आपको मैं बड़ी बात बता दूं जो निकल गई, दोनों जो बागड़ी जी के दोनों बेटे हैं, एक पुष्पराज बागड़ी और देवराज बागड़ी, दोनों ने अपनी दावेदारी ठोंक दी है और पूरा घर का जो लड़ाई है वो सड़कों पे आ गई है। हाँ। दोनों भाई अब एक तरह से लड़ने के लिए आगे निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार पुष्पराज को मौका मिला था 2013 में इसलिए हमको मिलना चाहिए। इसलिए दोनों भाइयों की लड़ाई के कारण कहीं ना कहीं भाजपा बहुत ही पेशोपश में है कि किसको टिकट कैसा करें, क्योंकि यहाँ तक कि भाजपा टिकट लड़ाई में तीसरा तो नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल दिए आप ठीक कह रहे हैं कि अगर दोनों भाइयों में से अगर दोनों बगावत करके दोनों एक भाई को टिकट मिलती है तो दूसरा बगावत कर सकता है। ये बिल्कुल उसने ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कहीं वो कांग्रेस से आ गया तो कहीं ना कहीं अब जो इन भाइयों की लड़ाई है वो भाजपा को कमजोर कर रही है, इसलिए भाजपा को कांग्रेस से कोई मजबूत प्रत्याशी देखिए कांग्रेस पिछली बार वहाँ कल्पना वर्मा हारी थी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से जो पहले ही पिछली बार उषा चौधरी जीती थी 2013 में वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया अजय सिंह राहुल के साथ और अब वो ही एक फाइनल प्रत्याशी मानी जा रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अखिलेश आपका, मनीष आपका, हेमंत आपका और वरुण आपका सारी जानकारी देने के लिए। तो आपने कहा 1% भी संभावना नहीं है विकास जी, लेकिन यहाँ तो हमारे संवाददाता निष्पक्ष है, देखिए ना आपने उनको कुछ प्रलोभन दिया है ना फिरोज जी ने दिया है, उन्होंने जो बताया उसने निष्पक्ष बताया, अब आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका अपना आकलन हो सकता है लेकिन हमें मालूम है कि उस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों के चलते लगातार लाभान्वित हो रही है, रुझान हमें दिखता है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता जब मेल मुलाकात करते हैं तो वहाँ की जनता का क्या होगा, दो भाई जब लड़ेंगे आपस में तो देखिए पार्टी संगठन अपना काम करता है वही तो टिकट निश्चित करेगा जी। मुझे लगता है कि लोकतंत्र को खास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मामले में देखें पार्टीजनों में तो ये बुराई कहीं से भी कहीं नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती है, लेकिन जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है वो है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मेहनत करती है, इवन खंडवा में जो लंबे समय से लंबे मतों के अंतर से नंद कुमार भैया जीतते आ रहे हैं स्वर्गीय, वहाँ भी मेहनत करनी पड़ जाएगी इस बार लंबी। नहीं, हमने तो खंडवा क्या हर विधानसभा हर चुनाव में बहुत मेहनत करते हैं। देखिए आपकी स्टोरी में था कि ये चुनाव का सेमीफाइनल, हमारे लिए तो हर चुनाव फाइनल होता है जी।
तो वहाँ कोई हम कमी नहीं छोड़ते, वहाँ कोई ढील नहीं छोड़ते, संगठन पूरी ताकत से लगता है और ये संगठनात्मक तैयारियां हमारी पूर्व से ही चालू है, जो आपके संवाददाता भी बता रहे हैं। फिरोज जी, संवाददाता हमारे थोड़ा अच्छे संकेत दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये संकेत है देखिए वो नहीं है, और आपने खुद पहले ही मान लिया है कि उपचुनाव वाला के इतिहास भी बताता है, जो रिकॉर्ड है वो भी बताता है कि उपचुनाव ज्यादातर सत्ता पक्ष के उसे जाते हैं। लेकिन जब आपका माहौल बना था तो आपने भी देखा था, दो उपचुनाव आप जीते थे, तीन चित्रकूट सहित मिला दे तो तीन एक साथ आप जीते थे, मुंगेली थे और कैलारस था, फिर उसके पहले चित्रकूट जीते थे। वो एक संकेत है, वही संकेत लगभग, समय तो अभी ज्यादा है लेकिन वो संकेत है, और अगर आप हारे तो संकेत आपके लिए सामने कठिन परिस्थितियां भी पैदा कर सकता है। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है कि जो भी अभी आपके चारों रिपोर्टरों ने बताया जी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से दो तिहाई बहुमत से नीचे नहीं आई जी। ऐसा कोई चुनाव नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं हो, लंबे मार्जिन से नहीं जीती, लेकिन 2017 का जो चित्रकूट का चुनाव है उससे जो हार शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो निरंतर हो रही है। ये आप 27 उपचुनाव को छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप देखिए तो आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। और ये जो आपके उपचुनाव को छोड़ दिया, ये इसलिए कि इनमें क्या हुआ, नेता हमारा टूट गया, सरकार हमारी गिर गई, उसके बाद कई जगहों पर ऐसा था, जैसे प्रभु राम चौधरी हैं, ये लंबे समय से 35 साल से थे और कोई हमारे पास ऐसा हमारा कैंडिडेट जो था वो डेवलप नहीं था जिसको हम ले जाते, और वो जब 35 साल से थे तो उनके साथ आधा संगठन भी चला गया हमारा, तो ये कई सारी जगहों पे हमको जो शरण हुआ उसकी हमको तकलीफ हुई, वरना जनता का तो मूड था। अभी एक चीज है कि जो चारों आपके रिपोर्टर कह रहे थे, ये इस बात ये तो क्लियर है कि माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। नंबर दो बात, जितनी भी कमलनाथ जी कैसे माहौल आप देखिए, चारों रिपोर्टरों ने यही कहा कि बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए खंडवा जैसी सीट पे भी कहना पड़ रहा है, रैगांव में भी जो भारतीय जनता पार्टी वो डगमग डगमग इस स्थिति में है, और जोबट और पृथ्वीपुर तो ये जीत ही नहीं सकते ये किसी भी कीमत पे। तो सवाल ये है कि अगर हमारे कार्यकर्ता जो है एकजुट होके, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो तौर तरीके, जैसे मंत्री जी बैग भर के पहुंच जाते हैं, इससे पहले कैलारस में इनके विधायक को पकड़ लिया था हमारे कार्यकर्ताओं ने, और कई घंटे तक थाने से हमने गाड़ी स्कॉर्पियो नहीं जाने दी थी, अगर ये सब चीजें हमारे कार्यकर्ता कर ले गए, और कमलनाथ जी ने जिस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया है, वो जनहितैषी मुद्दों को उठाया जो जनता के वास्तविक मुद्दे थे, वो सामने दिख रहा है कि उसका असर जनता के बीच में हो रहा है। आप कोरोना से हुई मौतें, ऑक्सीजन, जनता को जो है सर्टिफिकेट तक नहीं मिल रहा है, लोगों की बेरोजगारी है, जनहितैषी योजनाएं जो है जमीन पे नहीं पहुंच रही। आज रामबाई का ही वीडियो वायरल हुआ कि भाई थोड़े कम पैसे ले लिया करो, कुटी दे दिया करो इनको। वो तो आपकी है रामबाई, अरे हमारी हो या किसी की भी हो, लेकिन ये तो तय है ना कि भाई नीचे निचले स्तर पर गरीबों की योजनाओं में लूट हो रही है, और उसका असर तो आएगा चुनाव में, और वो चीजें सामने दिख रही है। अब हमारे कार्यकर्ताओं को आखिरी समय, आपको अगर 2023 में टिके रहना है तो आपकी दोनों सीटें जोबट और पृथ्वीपुर आपको हर हाल में जीतनी होगी। अगर ये भी आप लूज कर गए तो ये फिर 2023 में आपकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। किसी भी कीमत पर हम पृथ्वीपुर जोबट नहीं हार रहे हैं। रैगांव में की स्थिति हमारी बहुत मजबूत है, क्योंकि उस सीट का मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है। हमारे संवाददाता ने कहा कि एक भाई कांग्रेस में जा सकता है, कोई आप ले लेंगे? नहीं, ये देखिए हम ले लेंगे, ये चीजें हम ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन से अपने कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि भाई इसको टिकट देना चाहिए क्या, ये अपनी पार्टी में आ गया, अगर वो कहेंगे कि देना चाहिए दे देंगे, और अगर हमारे कार्यकर्ता कहेंगे कि नहीं देना चाहिए इसको देना चाहिए, हम उसको देंगे टिकट इसमें को। और अरुण यादव जी जिस तरीके से खंडवा में मेहनत कर रहे हैं, और जो मजबूती के साथ खंडवा में वो खड़े हैं अरुण यादव जी, मुझे लगता है कि इस बार खंडवा में जनता जो है उन्हीं को वोट देगी। तो हमें कोई सीट ऐसी नहीं लगती चारों में जो हमारा अंतर था, अंतर था 373,000 का जब लोगों ने मोदी सरकार के चेहरे पे वोट दिया था, और अब जो है अभी जनता अब की बार उनके विरोध में वोट देगी। और अब भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि आप ये बताओ कि हमारा कोरोना का मुआवजे का क्या हुआ, ऑक्सीजन लेके आए थे क्या आप, हमको रेमडेसिविर मिला क्या, हमारी नेपानगर की मिल चालू हुई क्या, आपने कौन सा काम ऐसा यहाँ कर दिया जिसके नाम पर हम वोट दे दें। तो ये और अभी तो ये तीन चार जो वहाँ कैंडिडेट इकट्ठा हो गए, अभी तो आप वो देखिए मजा कि क्या क्या होने वाला है उनका। हमारा तो ठीक है, विकास जी से पूछ लेते हैं, समय भी समाप्त हो रहा है जी। विकास जी,
नहीं, मैं तो फिर वही पूछ रहे हैं कि अगर चारों नहीं जीते, एक भी लूज कर गए तो बाई दबे हो जाएगा। नहीं, चारों जीतेंगे सर। अच्छा, 1% तो मान लीजिए। नहीं, क्यों मान ले? अच्छा नहीं, हमारी जिस दिन परिणाम आए उस दिन मैं आपको जरूर यहाँ आमंत्रित। बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्या बोलेंगे आप? सब एनालाइज करेंगे ना, क्या बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप करिएगा ना, मैं आऊंगा आपके साथ। इसमें कौन कौन सा मुद्दा है? अच्छा सचिन भाई, देखिए देखिए देखिए, मैंने मुद्दा बताया ना, हमारी सरकार का जो सकारात्मक विकास, सकारात्मक रूप से सामाजिक समरसता का काम है, वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। और इसके साथ में एक एडिशनल मुद्दा बहुत बड़ा जुड़ता है, वो है कि कांग्रेस गए दिनों की राजनीतिक पार्टी इन सभी क्षेत्रों में होती जा रही है, दिखती जा रही है लोगों को। तो जर्जर भवन के साथ में कौन खड़ा होगा? बहुमत से आई है, छत्तीसगढ़ में आई होगी। मध्य प्रदेश की स्थिति तो आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश की स्थिति तो आप, जो बात अभी माननीय नरोत्तम जी कह रहे थे ना कि बिस्तर से ट्विटर ट्वीट करना और ऐसे पार्टी चलाना और ऐसे पार्टी का चलना, ये अपने आप में जनता भी समझ रही है। दोनों को तोड़ के लाते हैं, आप आयातित करते जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी को आयातित कर लिया, ज्योतिर जी को आयातित कर लिया, लगातार आयातित क्यों कर रहे हैं आप? क्या नहीं है, क्या नहीं? देखिए, बादल जी तो मोह भंग हो गया। देखिए देखिए, संगठन का विस्तार अच्छे लोगों को, और जब कोई अपनी विचारधारा को अपना ले तो उसके साथ सतत चलता रहता है। वो तो नहीं, तो अभी मई के दिन में अपना लेते हैं क्या? नहीं, वो सब भी होता है और इनके साथ भी होता है। और आपने देखा होगा कि ओटीसी कोर्स भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी बात ओटीसी जो है, बहुत सारे लोग बड़े पके बालों के साथ में करते हैं। आप देख रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं उस मामले में भी। भारतीय जनता पार्टी हुआ कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे, ये भानुमति का कुनबा है। नहीं, कहीं मुझे लगता है भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कांग्रेस अपनी सकारात्मक बात कोई नहीं कह पाई, अपनी स्थिति क्यों मजबूत हो सकती है, ऐसा कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में स्पष्ट नेता, स्पष्ट नियत और स्पष्ट नेतृत्व है, जिसके आधार पर हम डबल इंजन की सरकार, आप कह रहे थे मोदी जी का विकास, तो विकास सब जगह है। विकास के बारे में बात असल में क्या है? बिजली नहीं आ रही गांव में। कौन से गांव में नहीं आ रही साहब? अरे आप कौन से गांव में नहीं आ रही? पूछ लीजिए, अगर बारिश कम हुई थी और स्थिति कुछ खराब हुई थी तो हमने दुरुस्त कर लिया उसे। जी। एक बात बताइए फिरोज भाई, बिजली के मुद्दे पर कल प्रदेश में 15 महीने आपने भी सरकार चलाई, बहुत पहले 2003 के पहले की बात नहीं करते हम। अभी भी मिल रही है? कहाँ मिल रही है? अभी भी मिल रही है। चुनाव पे आ जाए, चुनाव पे आ जाए। बड़ी स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से ग्रामीण जनता को, किसान मजदूर महिलाओं को जिस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज मिली है, उसलिए लोग चाहते हैं। खेतों को बिजली भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है। नहीं, बहुत कुछ नहीं, मैं तो वाइडन कह रहा हूँ। अगर सड़कें मिली है तो इस सरकार में मिली है, जल्दी बिजली मिली है तो यहाँ मिली है। विकास जी, फिरोज जी, बहुत जल्दी ही उस क्षेत्र में क्या 10 बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम दोनों बहस करेंगे। बिल्कुल करेंगे, निश्चित तौर पर। विकास जी, फिरोज जी, सभा उस मुद्दे को लपक भी लेंगे, उस पर काम भी करेंगे। हाँ, आज काम करने का वादा भी करेंगे। आप क्या मानेंगे, तो आप भी नहीं मान रहे, फिरोज जी भी नहीं मान रहे, तो खैर मुद्दों पे लेके बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका भी, फिरोज जी आपका भी, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव में जीत भाजपा के लिए आसान नहीं हो सकती है। कोरोना के बाद उपजी समस्याओं से लोगों में भारी असंतोष है, महंगाई और रोजगार बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बिजली संकट ने भी किसानों की परेशानी बढ़ा कर रखी है। वही कुछ महीनों पहले सत्ता खो चुकी कांग्रेस इन मुद्दों को चुनाव में कितना भुना पाती है, ये देखना आम होगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।